दक्षिण काशी, दक्षिण द्वारका, पंडरीगे, पांडुरंगपुर, पंडरी और पंढरपुर यानी साक्षात इस धरातल का दूसरा वैकुंठ, भू वैकुंठ। धन्य धन्य हे नगर भू वैकुंठ पंढरपुर, अनुपम्य पंढरीचा वास, अनुपम्य चरण संतांचिये, अनुपम्य नाचती वैष्णव, अनुपम्य गौरवतयांचे। ऐसा ये अति दिव्य धाम, जिस धाम में जन्म लेने के लिए साक्षात देवता भी लालायित होते हैं, और ऐसे भू वैकुंठ पंढरपुर धाम में साक्षात पांडुरंग भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनकी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभयचरण रविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इनके कृपा पात्र एवं प्रिय शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज इनके मार्गदर्शन तथा प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से एक भव्य दिव्य ऐसा मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसका नाम है भू वैकुंठ। भगवान पांडुरंग के चरणों को स्पर्श करके निकली पवित्र चंद्रभागा नदी के पूर्व तट पर करीब 180 फुट ऊंचा और 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र का भव्य मंदिर निर्माण प्रकल्प तथा तट पर स्थित अद्भुत प्रभुपाद घाट, ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे पवित्र चंद्रभागा मैया ने लहराते हुए अपने सुंदर केशों में एक अमूल्य रत्न चूड़ामणि अंकित किया हो। मन को मोहने वाले इस मंदिर का प्रवेश द्वार तो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे यह वैकुंठ का ही प्रवेश द्वार, और इसी महाद्वार की एक ओर रहेगा जग प्रसिद्ध गोविंदा रेस्टोरेंट तथा दूसरी ओर भेंट वस्तु भंडार। इसी महाद्वार के अंदर प्रवेश करके हम पहुंचते हैं सीधे अति अति सुंदर वृंदावन गार्डन में, जहां पर हमें होंगे भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शन, जहां पर होंगे लाइट शोज, म्यूजिकल फाउंटेन्स और 70 मल्टीमीडिया थिएटर। हर वर्ष आषाढ़ वारी के शुभ अवसर पर लाखों भक्त पंढरपुर को भेंट देते हैं, और इस समय पर पंढरपुर में तेज बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन वारकरी भक्तों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए वारकरी भवन, वारकरी स्नान गृह तथा भक्ति वेदांत हेल्थ केयर सेंटर, यह सभी भू वैकुंठ प्रकल्प के महत्वपूर्ण अंग है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और उनके शिष्यों द्वारा किए गए भगवान विट्ठल जी के प्रचार और प्रसार के फलस्वरूप हर साल पंढरपुर धाम में देश विदेश से हजारों अतिथि भक्त आते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकल्प में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा वाले 100 से अधिक वातानुकूलित कमरों का अतिथि गृह निर्माण हो रहा है। उसी के साथ 3000 भक्तों की क्षमता वाला विशाल बहुउद्देशीय हॉल भी बनेगा। इस अद्भुत मंदिर का मुख्य आकर्षण रहेगा इसका गर्भगृह तथा दर्शन मंडप, जिसमें मुख्य रूप से विराजमान रहेंगे श्री श्री राधा पंडरीनाथ भगवान, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान एवं श्री श्री गौरनिताई। इस मंदिर का दिव्य दर्शन मंडप शुभ्र संगमरमर तथा रंगीन पत्थरों से सजा होगा। 12 एकड़ की भूमि में निर्माण होने वाले इस भव्य, दिव्य, अद्वितीय, अद्भुत
एवं अकल्पनीय भू वैकुंठ प्रकल्प को निर्माण होने के लिए आवश्यकता है 180 करोड़ रुपए इतनी धनराशि की, जो एकत्रित होगी आप सभी के सहयोग से। राम सेतु बनाने के लिए भगवान राम जी के अनुसार उस छोटी गिलहरी का भी उतना ही योगदान है जितना कि हनुमान जी का। आप समुद्र में छोटी गिलहरी बनकर रेत डालिए या फिर हनुमान बनकर बड़े बड़े पहाड़, कृपा पाने के लिए तो बस महत्वपूर्ण है आपका योगदान। अग्नि पुराण में लिखा है, धन अर्जित करने और उसके एक छोटे से हिस्से से मंदिर बनाने से व्यक्ति धर्मपरायणता प्राप्त करता है और हरि की कृपा प्राप्त करता है। नरसिंह पुराण में लिखा है, जो कोई भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बनाने का कार्य करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और वह वैकुंठ में प्रवेश करेगा। स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण शुरू करने मात्र से ही 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और नरक में कष्ट भोग रहे उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। वामन पुराण में लिखा है, जो कोई विष्णु मंदिर का निर्माण करता है या निर्माण में सहायता करता है वह अपने पिता, दादा और पूर्वजों की 8 पीढ़ियों को नरक में जाने से बचाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि आप इस संसार में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाते हैं तो वह आध्यात्मिक वैकुंठ लोक में आपके लिए एक महल का निर्माण करेंगे। ततो निवृत्त अयतः पश्यन भीमरथी तटे द्विभुजं विठ्ठलं विष्णुं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। अत्यंत सुंदर भीमा नदी के तट पर निवास करने वाले द्विभुज श्री विठ्ठल भगवान भौतिक संपदा एवं मुक्ति के दाता है।